ఐక ఆధ్వర్యంలోని దక్షిణాది రాష్ట్రాల వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగాల అధికారులకు శిక్షణ ఇచ్చే విస్తరణ విద్యా సంస్థలో నూతన ఆడిటోరియం ప్రారంభించారు కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి, కేంద్ర వ్యవసాయ కార్యదర్శి మనోజ్ ఆహుజా, రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్యదర్శి విసి రఘునందన్ రావు, విస్తరణ సంచాలకులు డాక్టర్ సుధారాణి, ఈఈఏ డైరెక్టర్ మన్మోహన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. और अधिकारीगण, मैनेज और आईएमआर के डायरेक्टर्स और उनके साथियां, भारत सरकार की ओर से जो यहां पे अधिकारीगण है, आप तमाम लोगों को और देवी और सज्जनों को और सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार. आप जवाब नहीं देंगे समय नमस्कार को या ना को बोले भूले नहीं. बहुत खुशी है मुझे आज हमारे वो खुद ही किसान है मध्य प्रदेश के, वो खुद ही किसान के परिवार से हैं, उनको किसानों से प्यार है, उनको ये मुल्क के किसानों से प्यार है, मोहब्बत है और किस्मत से आज वो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री हैं. उनको जब कभी मैं न सिर्फ देखता हूं, जब कभी वो मुझे याद आते हैं तो हमारे किसानों की भलाई याद आती है मुझे. मैं एक दिन से बता रहा हूं ये बात. तोमर जी, आप जो है किसानों के निशान है आज हिंदुस्तान में. आपको मेरे तरफ से और हमारे राज्य सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं. और ये एक्सटेंशन एजुकेशन सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑडिटोरियम हो, जो क्लासरूम्स हो, लेबोरेटरी हो, कॉन्फ्रेंस हॉल हो, जितने भी सुविधाएं यहां पे आपके जानिब से हुए गए हैं, आप जो सपोर्ट किए हैं, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं हमारे सरकार की ओर से. और यहां पे कायम रखेंगे कि इंस्टीट्यूट में जो काम होनी चाहिए वो बिल्कुल सदर्न स्टेट्स और उड़ीसा मिला के कुल मिला के 5 राज्यों का जो यहां पे शिक्षण होते रहता है हमेशा वो अच्छे